नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। विश्वास है कि आप सभी ठीक होंगे। तो भाई लोग, जो आज का वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, कि जो लोग दुबई आना चाहते हैं, आने का प्लान है, और या फिर जॉब के पर्पज़ से आ रहे हैं, तो ये ज़रूर भाई लोग वीडियो देखें, ठीक है। जिन लोगों ने अभी प्लान कर लिया है, वीज़ा आने वाला है, वीज़ा आ चुका है, वीज़ा लेने वाले हैं, तो सभी के लिए वीडियो है। आँख बंद करके वीडियो देखिए और समझिए क्या बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ मैं आप सभी को। क्योंकि जो मैंने रिसर्च किया है ना यहाँ पर दुबई में, जो मैंने रिसर्च किया है जॉब्स को लेकर, कि क्या किस फील्ड में आना है, किस फील्ड में कितनी जॉब्स हैं, क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करूँगा मैं, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन भाई, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना, देखना, उसके बाद प्लान करना। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, ना समझ में आए तो वीडियो को मत लाइक करना, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, अगर वीडियो को समझ नहीं आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें। तो लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि भाई लोग, बहुत से भाई लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हम किस बेस पे दुबई आए, क्या करने आए, हमें हमारा फील्ड तो मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, वहाँ पर हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या करना पड़ेगा वहाँ पर, सभी का क्वेश्चन रहता है भाई। मैं भी आने से पहले मेरा भी ये क्वेश्चन था कि भाई मैं क्या करने जा रहा हूँ वहाँ पर। तो मैं आपको सही सही बता दूँ और स्टेप बाय स्टेप मैं सभी फील्ड का बताऊंगा कि कौन कौन सी जॉब है यहाँ पर और आना चाहिए नहीं आना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो मैं दुबई के ऊपर बात करूँ तो दुबई में जो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है ना भाई, दुबई में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो सिविल कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा नंबर वन में अगर रैंकिंग रहे तो सिविल कंस्ट्रक्शन में बहुत वैकेंसी है यहाँ पर। वर्कर से लेके मैनेजर तक सिविल कंस्ट्रक्शन में बहुत वैकेंसी है। डिज़ाइन हुआ, बिल्डिंग मटेरियल, जिनको भी सारा सिविल में आता है, सभी के लिए भाई, ठीक है। तो सिविल वालों के लिए अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर दुबई में। उसके बाद में अब बात करते हैं सिविल के अंदर जो भी आपका जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर वगैरह, डिज़ाइन विज़ाइन वगैरह सारे लोग जो तैयार करते हैं सभी के लिए, ठीक है। तो सिविल से जिसके पास भी एक्सपीरियंस है वो आ सकता है, मिस्त्री हुआ, जो भी है, मतलब आप सभी को मालूम ही होगा जिसने इस फील्ड में काम किया है। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है ना सिविल की, वो दुबई में है। क्यों, अब ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि दुबई का प्लान है 2040 से 42 तक दुबई को फुली डेवलप करने का। कहीं आपको रंबल तक नज़र नहीं आएगा आने वाले समय में, ऐसा प्लान है। तो उस बेस पर देखा जाए तो जगह जगह बिल्डिंग बन रही हैं, जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, रोड वगैरह, डैम वगैरह सारी चीज़ें बन रही है। तो बिल्डिंग और बिल्डिंग ही नहीं, सड़क वगैरह सारी चीज़ें। तो इस चीज़ में देखा जाए तो दुबई में सिविल का जो वैकेंसी है वो नंबर वन पे है ना। आप देखते भी होंगे जहाँ वैकेंसी आता होगा तो सिविल का ज़्यादा आता होगा। दूसरी चीज़ में बता दूँ आपको, और दूसरी चीज़ है आपकी मैकेनिकल। मैकेनिकल का क्या काम है यहाँ पर भाई, जो मैकेनिकल वाले हैं, मैं भी मैकेनिकल से हूँ, तो मैकेनिकल का क्या काम है यहाँ पर मैं वो भी बता देता हूँ। देखो मैकेनिकल का जो सबसे ज़्यादा जो काम है ना वो मेंटेनेंस में है भाई। इधर दुबई साइड में जो सबसे ज़्यादा काम है वो मेंटेनेंस में है। अब मेंटेनेंस में क्या काम है ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि जो दुबई में जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, फैक्ट्री वगैरह हैं, सारी चीज़ें ना ये, उनमें क्या है कि मेंटेनेंस वर्क है। या तो आप फायर से रिलेटेड से ले लो, या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड ले लो, या फिर किसी भी फील्ड में आप मैकेनिकल में आप चले जाओ, नई चीज़ें इंस्टॉल करना। यहाँ प्रोडक्शन की कंपनियाँ बहुत कम है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ बहुत कम है, केवल मेंटेनेंस वर्क है यार। एक बार सिस्टम लगने के बाद में फिर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, PPM करने के लिए, उसको सारी चीज़ें जो उसका मेंटेनेंस करने के लिए वो मैकेनिकल वाले ही करते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे कि मैकेनिक मैकेनिक इंजन मैकेनिक, या फिर जो नॉर्मल हमारे व्हीकल मैकेनिक वगैरह के होते हैं, वो क्या है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। डीजल मैकेनिक वगैरह सारी, आप अगर नहीं देखते तो समझ जाइए कि जिसके पास मैकेनिक है, मैकेनिकल से अगर वो मैकेनिक फील्ड में है, या फिर जिसने डिप्लोमा अपना नहीं किया मैकेनिक है, वो भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो नहीं आ सकता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो मैकेनिकल में आप चले जाओ, प्रोडक्शन लाइन में प्रोडक्शन की कंपनियाँ बहुत कम है। मैं बता दूँ आपको, प्रोडक्शन लाइन में आपका जैसे कि प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग वगैरह की कंपनियां हैं। डाई कास्टिंग में आपको मिलेगा केवल फेरस मेटल की डाई कास्टिंग,
जैसे हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप वगैरह जो होता है बनता है वो डाइकास्टिंग में बनता है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों की कंपनियां हैं, फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो है प्रोडक्ट यहाँ पर बनते रहते हैं, तो उनकी आप कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां में भी 30% है यहाँ पर, ठीक है। तो वो लोग भी आ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वैसे। और उसके बाद में मैकेनिकल में CNC, बहुत भाई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि यार CNC वगैरह की सब जॉब आती रहती है या नहीं आती, मैं वो भी बताता हूँ। CNC की कंपनी की जो CNC वगैरह जो यूज़ कंपनियाँ करती हैं, ठीक है, जिन कंपनियों में CNC है, CNC से प्रोडक्शन है, तो उनकी बता दूँ मैं कंपनियाँ कम से कम 10% कंपनियाँ यहाँ पर, ज़्यादा कंपनियाँ नहीं हैं, गिनी चुनी 10% कंपनियाँ हैं, जिसमें आप मैं दुबई में बता दूँ तो मोस्टली अगर मेरे जानने में है तो 25-30 कंपनियाँ मैं अभी देखा है मैंने, ठीक है। तो इतनी कंपनियां हैं वहाँ पर जो CNC VMC की लिए अच्छे स्किल वर्कर उनको चाहिए, अच्छे ऑपरेटर चाहिए, अच्छे इन सब चीज़ों की वैकेंसी आती रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिकल में ही आप चले जाइए, जैसे डिज़ाइन विज़ाइन हुआ तो उसमें भी आता है, ड्राफ्टिंग का जो जिन्होंने कोर्स कर रखा है, जिन्होंने ऑटो कैड वगैरह कर रखा है, उनके लिए भी डिज़ाइन वगैरह मैकेनिकल के लिए अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। और फिर उसके बाद में फिर आप डिज़ाइन से रिलेटेड, डिज़ाइन से थोड़ा हट के चले जाइए, तो मान के चलिए कि जैसे इक्विपमेंट वगैरह की और टूल्स वगैरह की नॉलेज है जिनको, मतलब हम कहते हैं ना कि यार इक्विपमेंट जैसे कि प्रिसीजन, जैसे हाइड्रोलिक वगैरह इन सब चीज़ों की नॉलेज है जो कंपनियां बनाती हैं, हाइड्रोलिक पाइप्स वगैरह बनाती हैं, ठीक है, फॉर्मिंग करके उसके बाद में फिर CNC वगैरह पे काम करके, तो उनकी भी वैकेंसियाँ यहाँ पर रहती हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, ठीक है, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रखा है या फिर इलेक्ट्रिकल का उनके पास में एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा नॉलेज है, और उसके बाद में उनको जैसे पैनल वगैरह की नॉलेज है, उनको सर्किट वगैरह की नॉलेज है, उनको स्टार डेल्टा कनेक्शन का नॉलेज है, फिर ये सब चीज़ें जिनके पास नॉलेज है भाई, वो लोग भी आ सकते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अच्छी सैलरीज है, और इलेक्ट्रिकल की तो हर जगह यार पावर सप्लाई तो हर जगह है, तो मोस्टली उसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो सिविल के बाद में जो दूसरे फील्ड पे जो नंबर है ना, वो भाई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक का है, जिसके पास में अच्छा एक्सपीरियंस है ना, वो लोग भी आ सकते हैं। जिजके ना ही मतलब कि नहीं यार मिलेगी कि नहीं, आ सकते हैं, क्योंकि उनको फायर पैनल वगैरह का, उनको कम्युनिकेशन का काम करना होता है, तो वो लोग भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं फिर उसके बाद में CSIT वालों के लिए, जिन्होंने CS से डिप्लोमा कर रखा है और अपना कम्युनिकेशन लाइन में उन्होंने डिग्री वगैरह जो भी कर रखा है, तो उनके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम है ना, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी कम रहती है। लेकिन गिनी चुनी जो कंपनियाँ हैं ना, वो अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, उनको डिफेंस के अंदर हुआ या फिर गवर्नमेंट के अंदर जॉब मिल जाता है, वो भी कॉन्टैक्ट बेस पर ही मिलता है, ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग को ही मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भाई है ना, आपको लगता है कि हमें पहले सोचना पड़ेगा यार हमें दुबई हम क्यों आना चाहते हैं, क्या हमारे पास नॉलेज है वहाँ, हमारे पास जो नॉलेज है उसकी कंपनियाँ हैं या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है, आपको समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उठाए चल दिए भाई दुबई में, तो ऐसा नहीं है। अगर आप गलती से फंस गए ना यहाँ पर, तो रंबल में आपकी लेने की देनी हो जाएगी, ठीक है। तो मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो समझिए चीज़ों को, उसके बाद में अप्लाई करिए, और अच्छे प्लेट जब आने से पहले आप सारी चीज़ें क्लियर कर ले कि कंपनी कैसी है क्या बनाती है, क्या करने जा रहा हूँ वहाँ पर, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी आने से पहले और इंटरव्यू देने से पहले। कुछ लोग होते हैं कि गर्मी बहुत है भाई, देख रहे हो पूरा पसीना में भीजा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, पूरा पसीना में भेज गया भाई, इतनी गर्मी है, ह्यूमिडिटी इतनी है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर जिन भाइयों को समझ में आया है वो ठीक है, नहीं आया है और तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ। और सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप सब, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलता रहेगा थोड़ा थोड़ा करके, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, और एक चीज़ ये है कि बहुत से भाई लोग जो प्लेसमेंट वगैरह के मैंने पुराने वीडियो बना रखे हैं, ठीक है, आने से पहले ना आप डरे नहीं है, ठीक है, आने से पहले या फिर इंटरव्यू देने से पहले ना आप ये आप क्लियर कर लेना अपने एजेंट से या फिर अपने प्लेसमेंट से क्लियर कर लें कि भाई अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ तो क्या इसका किस काम में जा रहा हूँ, वहाँ ओवरटाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर ओवरटाइम मिलेगा तो मुझे लिखित में दो, सारी चीज़ें क्लियर करना है। झिझकना नहीं है कि नहीं यार यहाँ पर आने के बाद फिर फंस जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है।
तो जिसको जो चीज़ें अगर समझ में आई हो तो उस चीज़ को फॉलो करें, ठीक है। और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करते रहना, वीडियो ऐसे डेली आता रहेगा आप सभी का साथ, है ना, है तो फिर आगे हम भी बढ़ते रहेंगे आप सभी के लिए, ठीक है। और बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं मैं आपको बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा और ऐसे ही चलता रहेगा। तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को, मैं जो लोग भाई लोग भी दिख रहे हैं जिनको जेन्युइनिटी या इसमें समझ में आ रही है, वो थोड़ा बहुत वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूले भाई, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बाकी इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी और फिर सर्च करते रहेंगे, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से, कोई फेक नहीं होगा। आप औरों से भी पता कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। कि बहुत से लोग बोलते थे कि भाई इतनी सैलरी है वो है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं समाप्त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।